नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा। मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ। एस्ट्रो तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब श्री कृष्ण के मुकुट पे देखते हैं मोर पंख लगा होता है, लेकिन इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम अपने घर पे भी इसको लगा सकते हैं और कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं इस मोर पंख से, आइए जानते हैं। माना जाता है कि मोर पंख को अपने घर के बाहर लगाने से, अगर ऐसे कर कर आप मोर पंख लगाते हैं, यानी कि दोनों इस तरीके से क्रॉस कर कर, तो यकीन मानिए आपके घर में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होती हैं। शुभ फल प्रदान करता है मोर पंख, ऐसे क्रॉस चीज़ लगाने अपने गेट के बाहर। मोर पंख नेगेटिविटी को दूर करता है। यदि आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है, कहना नहीं मानता और आपकी बात भी नहीं सुनता, तो आप क्या करें, मोर पंख ऐसी जगह पर रखें उसके बेडरूम में जहाँ वो रोज़ उसको देखता हो, जहाँ उसका रोज़ ध्यान जाता हो मोर पंख पर। चाहे वो पंखे के बीच में लगा दीजिए, पंखे के बीच में भी अगर वो लगता है और बच्चा सो रहा होता है या उसका ध्यान पड़ता है आते जाते, तो भी बच्चे में सुधार आना शुरू हो जाता है। मोर पंख हम अपने बेड के नीचे भी रख सकते हैं, हमारे बेडरूम में, हमारे बिस्तर के नीचे यदि हम मोर पंख रखते हैं, हमारा दिमाग शांत रहता है, हमें बुरे ख्याल नहीं आते, बुरे सपने नहीं आते, हम यकीन मानिए सोचने और समझने की शक्ति आती है। ऐसा माना जाता है कि एक अच्छा दिमाग ही अच्छी चीज़ें सोच सकता है, और अगर आपका दिमाग शांत है और दिमाग सही सोच रहा है, तो आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी और आप सोच भी अच्छा पाएंगे। तो आप अपने बिस्तर के नीचे यदि मोर पंख रखते हैं, तो आपको शुभ फल प्रदान करता है। यदि हमारे पास पैसा नहीं रुकता, या पैसा हम ला के रखते हैं और पैसे का पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ गया, यदि ऐसी चीज़ों का हम सामना करते हैं, तो हम अपने पर्स में मोर पंख रखें। हम अपनी अलमारी में भी मोर पंख रख सकते हैं, तिजोरी में भी मोर पंख रख सकते हैं। ऐसा रखना हमारे लिए शुभ माना जाता है। यदि कोई कहता है कि मेरी दुकान पर काम नहीं चल रहा, मेरी दुकान पर बिक्री नहीं होती, ग्राहक ही नहीं आता, इस सूरत में दुकान के साउथ ईस्ट में मोर पंख रखें। मोर पंख रखने से उसकी दुकान पर ग्राहक तो आएंगे ही, नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर रहेंगी और सुख और शांति बनी रहेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मोर पंख यदि हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, हस्बैंड वाइफ के आपस में विचार नहीं बनते या खटपट रहती है, तो भी साउथ ईस्ट के घर के कॉर्नर में, बेडरूम में जो साउथ ईस्ट कॉर्नर हो, वहाँ पर आप मोर पंख रखें, तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मोर पंख दुर्भाग्य को दूर करता है। मोर पंख एक तरीके का यंत्र है। आपने देखा होगा मोर पंख श्री कृष्ण क्यों लगाते थे, लेकिन इसके पीछे किसी को कहानी नहीं पता। श्री कृष्ण को बचपन से ही कालसर्प दोष था और उनकी माता हमेशा ही मुकुट के साथ मोर पंख लगाती थी। कहा जाता है यदि किसी को कालसर्प दोष होता है या राहु का केतु की दशा होती है, अगर खराब दशा चल रही है राहु की केतु की, तो मोर पंख लगाएं। यदि आप अपने घर पे लगाते हैं, अपने पास रखते हैं, तो इससे इसके दुख जो जितने भी बुरे परिणाम होते हैं वो दूर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपको यदि कालसर्प योग है, तो भी आप अपने घर पे लगाएं, जैसे कि श्री कृष्ण अपने पास रखते थे। तो ऐसा करने से आप इन सब चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं मोर पंख का। मोर पंख से तो वैसे भी हम लोग कहते हैं कि घर पे मच्छर या जितनी भी छिपकलियाँ या बाकी चीज़ें हैं वो भी नहीं आती, तो मोर पंख तो हमें फ़ायदा ही देता है। यदि आपको ऐसा लगे किसी को भूत की बाधा होती है, या उनको ऐसा लगे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत है, या हम लोग बहुत भारीपन सा फील होता है, वो क्या करें, मोर पंख अपने घर पे हफ्ते में एक बार हवा की तरह हिलाना स्टार्ट कर दें। मोर पंख को उसे ऐसे हवा की तरह हिलाएं, उससे क्या होगा, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर पे होंगी वो निकल जाएंगी बाहर, क्योंकि मोर पंख बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है। यदि आप अपने घर के हर कमरे में मोर पंख लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपके घर पे हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो किसी तरीके की कोई परेशानी आपके घर पे नहीं आएगी। ऐसा कीजिए और इसका लाभ उठाइए।